दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बिजली मीटर सर्विस के ऊपर। सीएससी की बहुत बड़ी सर्विस है, तो किस तरीके से आप इस सर्विस को ले सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, क्या कमीशन मिलेगा, एवरीथिंग बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा जिससे कि हमको आपका प्रोत्साहन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बिजली मीटर की सुविधा के लिए ये पोर्टल आपको दिया जाता है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि बिजली मीटर होता क्या है। तो दोस्तों गांव में या फिर कहीं भी शहर में आप रहते हैं, आप सीएससी वीएलई हैं, तो आप इसका काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं बता देता हूं। तो बिजली मीटर लगाने के लिए मतलब जिनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है उनको बिजली मीटर आपको देना होता है, यानी कि उनके घर में या मीटर लगा हुआ है, कोई कारखाना है उनके यहाँ मीटर लगा हुआ है या नहीं, मतलब जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा है वो आपको लगाना होता है। मीटर आपको सीएससी उपलब्ध कराती है, जिसका भी जितना भी मीटर आप मंगाएंगे या फिर अपने नियरेस्ट वीएलई सोसाइटी से जाके आप जो है मीटर ले सकते हैं। पर मीटर लगाने में आपको 200 से 300 रुपये, 250 तक मिल जाता है, 270 तक कमीशन मिल जाता है। और दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास में। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपको एक फॉर्म देता है, फॉर्म भरने के बाद में उसको आप आईडी वगैरह जो भी आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब कुछ दे देना है। और दोस्तों ये ज़रूरी है कि हर सीएससी वैली को ये काम नहीं मिल रहा है, तो ये ज़रूरी है कि आप सीएससी पे अच्छे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, सीएससी का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हो, यानी कि आप अच्छे वैली हों। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इसका फॉर्म भर देना है और आपके संबंध जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ में अच्छे होने चाहिए। देन वो आपका फॉर्म भरवा के आपको एक पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देता है। देख सकते हैं इस तरीके से न्यू कनेक्शन बिजली मीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, न्यू कनेक्शन बिजली मीटर, यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो फिलहाल ये पोर्टल जो बनाया गया है ये सही से वर्क नहीं करता है। किस तरीके से कहानी चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फॉर्म भर दिया, आपको आईडी पासवर्ड मिल गया, देन यहाँ से आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अपनी आपको जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है वो बताएंगे कि वीएलई सोसाइटी से कॉन्टैक्ट कीजिए, तो आपके यहाँ पे जो नियरेस्ट वीएलई सोसाइटी होगी वहाँ पे जाके आपको कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे किसी का नंबर ले लेना है और वहाँ से आपको जो मीटर उठाने होंगे। मीटर उठाने के बाद में जैसे आपको एक बिल बुक भी दी जाएगी और भी बहुत कुछ दिया जाएगा। जब आप मीटर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे बिल बुक को भरेंगे, देन उसको जब जमा करेंगे तो आपको जो है कमीशन आपका मिल जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, और इस सर्विस में कोई भी पैसा आपका नहीं लगना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। इसको लेने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दिया किस तरीके से आप बिजली मीटर का काम कर सकते हैं। ये जो पोर्टल है जल्द ही आपको सही से वर्क करेगा, फिलहाल अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप न्यू कनेक्शन बिजली मीटर का कर सकते हैं, न्यू कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का भी, इंडस्ट्री का भी कर सकते हैं, सब कुछ है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो कुल मिला के स्टेप एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि आप एक अच्छे वीएलई हैं, आप सही से वर्क कर रहे हैं, अच्छा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपको बिजली मीटर की जो नई सर्विस आई है उसमें काम चाहिए। तो सबसे पहले जो है वीएलई जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो आपसे बोलेंगे भाई आप कौन कौन सी सर्विस यूज करते हैं, आप पहले से उनसे अच्छे संबंध बना के रखे होंगे, तो वो बोलेंगे ठीक है ये फला फला दिन आप आ जाइए हमारे जो सीएससी ऑफिस है। तो आप सीएससी ई गवर्नेंस ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद में उसको सबमिट कर देंगे, आपको तुरंत या फिर एक दो दिन बाद आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा समय निकालिए, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो एक बंदा बिठा दीजिए जो ऐसा कर पाए, अपनी आईडी पे काम लेके करवा सकते हैं और अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।